या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी मैया की जय। भक्त जनों, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ती है आदि शक्ति जगदम्बा अलग अलग स्वरूपों को धरकर भक्तों की रक्षा हेतु दौड़ी दौड़ी आती है। चाहे महादुर्गा बन महिषासुर का वध करना हो, चाहे महाकाली बन चंड मुंड शुंभ निशुंभ जैसे दैत्यों का मर्दन करना हो, अपने भक्तों की रक्षा हेतु माता दौड़ी आती है। नवरात्रों में भी हम माँ के नौ अलग अलग स्वरूपों का पूजन अर्चन करते हैं। भक्तजनों, आज मैं उन्हीं जगदम्बा भवानी के ज्वाला स्वरूप की पावन कथा आपको संगीतमय रूप में सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं माँ ज्वाला और उनके अनन्य भक्त ध्यानु की पावन कथा। जब ध्यानु का कटाशीश जोड़ने माँ स्वयं प्रकट हुई और ध्यानु का तथा उसके घोड़े का कटाशीश अपने हाथों से जोड़ा, तब ध्यानु ने माँ के चरणों में क्या प्रार्थना की, आइए सुनते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती है ज्वाला मैया मेरा नाम हो रहा है, करती है ज्वाला मैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त ध्यानु माँ के चरणों में गिरकर यही विनती कर रहा है कि हे माँ, जब मैं आपकी पूजन अर्चन किया करता था तब यही गांव वाले मेरी हंसी उड़ाया करते थे, माँ मुझे पागल समझा करते थे, परंतु मैं जानता था कि आप तो साक्षात जगती हुई ज्योत हैं, परंतु इन्हें देखकर भी इन गांव वालों को कुछ भी असर नहीं होता था, मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे। चाहे कितना भी ज्ञान विज्ञान अपना मस्तिष्क लगाता हो माँ, परंतु प्राकृतिक रूप से जलती हुई आपकी ज्वालाओं का रहस्य आज तक कोई नहीं जान सकता था, क्योंकि वो क्या जाने ये कोई साधारण ज्वाला नहीं, ये तो मेरी ज्वाला मैया है। मैं करता पूजन तेरा दुनिया हंसी उड़ाती, मैं करता पूजन तेरा दुनिया हंसी उड़ाती, पर ज्योत की ये महिमा दुनिया न जान पाती, पर ज्योत की ये महिमा दुनिया न जान पाती। जलती ये देख ज्वाला जग हैरान हो रहा है, जलती ये देख ज्वाला जग हैरान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ध्यानु माँ ज्वाला के चरणों में नतमस्तक हो आगे कहता है कि माँ, फिर सब गांव वाले
धीरे धीरे आपकी शक्ति को मानने लगे और नवरात्रों में जब मैं और मेरे साथी आपके दर्शनों हेतु आपके मंदिर में आ रहे थे, तब हमें मार्ग में अकबर के फौजियों ने पकड़ लिया और उसके पास ले गए। अकबर ने जब आपके बारे में मुझसे पूछा तो मैंने आपकी साक्षात जलती ज्वालाओं के बारे में उसे बताया, परंतु माँ उसे आपकी शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास न था। फिर उसने मुझे आजमाने की बात कही, मेरे घोड़े का शीश काट दिया और बोला, यदि तेरी माँ के अंदर शक्ति है तो मेरी चुनौती स्वीकार करे और इस घोड़े का कटा शीश एक माह की अवधि में जोड़ कर दिखाए। यदि ऐसा हुआ तो तेरी माँ की शक्ति को मैं मान जाऊंगा और यदि ऐसा न हुआ तो तू भी मान लेना कि ज्वाला नाम की कोई शक्ति नहीं है। अकबर हंसी उड़ाए तेरे नाम की मजाला, अकबर हंसी उड़ाए तेरे नाम की मजाला, घोड़े का शीश काटा दी चुनौती मैया ज्वाला, घोड़े का शीश काटा दी चुनौती मैया ज्वाला, सिर जोड़ माँ दिखाए ऐलान हो रहा है, सिर जोड़ माँ दिखाए ऐलान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मैं आपके भक्तों के साथ आपके मंदिर में आया माँ, आपका आवाहन किया, रात्रि में आपका जागरण किया, सुबह आपसे आने का अनुरोध किया। 3 दिन तक ऐसा ही करता रहा माँ, परंतु आप अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं माँ, आप प्रकट नहीं हुई। इससे पहले कि आपके नाम पर कोई और हंसता, मैंने अपना शीश काटकर आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तब आप अपनी जगती ज्योत में से साक्षात प्रकट हुई, अपने हाथों से मेरा और मेरे घोड़े का शीश लगाया। अभिमानी अकबर ये देख ना सका माँ, उसे काटो तो खून नहीं, अपनी हार से वो इस तरह तिल मिला गया था। कटा शीश मेरा जोड़ा घोड़े का सिर लगाया, कटा शीश मेरा जोड़ा घोड़े का सिर लगाया, अकबर का मान तोड़ा मिट्टी में था मिलाया, अकबर का मान तोड़ा मिट्टी में था मिलाया, अकबर का सारे जग में अपमान हो रहा है, अकबर का सारे जग में अपमान हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अपनी हार से अकबर इतना तिल मिला गया था माँ कि उसने आपकी जगती हुई जोतों पर लोहे के बड़े बड़े तवे रखवाए, परंतु उसे क्या पता था कि ये तो आप स्वयं साक्षात हैं,
भला वो जोत कैसे बुझ सकती थी। जब उसने यह सब देखा तो मन ही मन घबराता हुआ नंगे पैरों से सवा मन सोने का छतर लेकर आपके दरबार में आया। परंतु माँ, आपने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। छतर टूटकर जैसे ही नीचे गिरा, ना जाने किस धातु में बदल गया और अकबर अपना सा मुंह लेकर आपके दरबार से शीश झुकाए वापस लौट गया। आपकी जय जयकार है माँ, आपकी जय जयकार है। परंतु माँ, आपसे एक ही विनती है कि हर कोई भक्त अपना शीश चढ़ाकर आपके चरणों में समर्पित नहीं कर सकता। इसलिए आइंदा आगे से जो कोई भक्त आपके चरणों में नारियल की भेंट चढ़ाए, उसे स्वीकार करना माँ, उसे दर्शन देकर कृतार्थ करना और अपनी दया ममता उन भक्तों पर बरसाए रखना। नारियल तुम्हें चढ़ाऊं, चुनरी तेरी सजाऊं। नारियल तुम्हें चढ़ाऊं, चुनरी तेरी सजाऊं। मंदिर में आके मैया चंदन तिलक लगाऊं। मंदिर में आके मैया तिलक लगाऊं। सारे जगत में तुम्हारा गुणगान हो रहा है। सारे जगत में तुम्हारा गुणगान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो।